हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के घोषित उम्मीदवार व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला पहुंच गए हैं। शिमला पहुंचने पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनावों के लिए 12 मार्च तक नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसके तहत जगत प्रकाश नड्डा शिमला पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में आयोजित बैठक में हिमाचल से जेपी नड्डा का नाम फाइनल कर दिया है। चुनाव समिति ने 7 अन्य राज्यों से भी नाम तय किए हैं। अब मात्र औपचारिकता ही बाकी है। 26 मार्च को चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जानी है। केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने राज्यसभा की 8 सीटों के लिए तय किए गए नामों की अधिसूचना जारी की है। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 6 साल पहले राज्यसभा के लिए चुने गए थे और अब 2 अप्रैल को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए नड्डा ही उम्मीदवार हैं। शिमला में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में भी सभी ने एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय भाजपा नेतृत्व को भेज दिया था, जिसके बाद दिल्ली में ही तय होना था कि हिमाचल से राज्यसभा सीट के लिए केंद्र से किसके नाम पर स्वीकृति की मोहर लगाई जानी है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई, जिसमें जेपी नड्डा के नाम पर मोहर लग गई। राज्यसभा के चुनाव के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यसभा सीट के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च तय की गई है। 22 मार्च तक नाम वापस लिए जाएंगे और 26 मार्च तक पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है। ऐसे में भाजपा की तरफ से इस सीट के लिए सर्वसहमति से केवल जेपी नड्डा का नाम ही तय किया गया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई नाम नहीं आया है।